नई वाली KTM RC सीरीज का लुक काफी ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आया है और ऐसे में लोग ढूंढ रहे हैं पुरानी KTM RC सीरीज को। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए KTM RC 200 का ओनरशिप रिव्यू। आज हमारे साथ हैं दी आर सीरीज राइडर राहुल भाई, जिनकी है ये RC 200। क्या है राहुल भाई? बढ़िया सर, आप सुनाओ। बहुत बढ़िया। तो राहुल भाई से हम जानेंगे कि क्या आपको पुरानी वाली RC सीरीज लेनी चाहिए, स्पेशली RC 200। क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप एक प्री ओन्ड RC सीरीज लेना चाहते हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो राहुल भाई, लेट्स कट टू द चेस। सबसे पहले तो आप मुझे बता दो, अगर किसी को KTM RC 200 प्री ओन्ड लेनी है तो क्या प्राइस उसको पे करना पड़ेगा? प्री ओन्ड अगर आप देख रहे हो, RC सीरीज देख रहे हो, पर्टिकुलर RC मॉडल में कहूंगा, तो अगर आप 17-18 मॉडल देखोगे जो कि BS4 है, तो ये आपको पड़ जाना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 1,05,000 to 1,15,000 के अराउंड पड़ जाएगा। 1,05,000 to 1,15,000। आपने ये कौन सा मॉडल लिया आपने और कितने का लिया था? ये सर मेरा पर्टिकुलर मॉडल है 2018 का मॉडल है। ये मेरे को अराउंड पड़ गया था 1,10,000 के आसपास पड़ गया था। 1,10,000 कितनी चली हुई थी ये और किस कंडीशन में थी? ये सर एक्चुअली चली हुई थी 18,000 किलोमीटर्स, तो उसके बाद इसके ब्रेक पैड्स वगैरह जो जिनसे मैंने ली थी उन्होंने चेंज किए थे, और कंडीशन इसकी नॉर्मल थी, ज़्यादा मैं अच्छी नहीं कहूँगा, बट इतनी बुरी नहीं थी, सही थी, साफ गाड़ी थी। साफ गाड़ी तो लेने के बाद राहुल भाई कितना चला लिया आपने इस गाड़ी को? लेने के बाद सर एक्चुअली मैं जॉब कर रहा हूँ अभी, तो इतना टाइम लगा नहीं मेरे को, बट मैंने इसको 20,000 किलोमीटर के ऊपर ही क्लॉक कर दिया, तो अराउंड आप कह सकते हो 2,200 किलोमीटर के अप्रॉक्स मैंने चला दिए। तो RC सीरीज ऑब्वियसली जब राहुल भाई लेते हैं लोग, तो सबसे ज़्यादा मैटर करता है उनके लिए परफॉर्मेंस। तो KTM RC 200 BS4 मॉडल से आपको कैसी परफॉर्मेंस मिल रही है? सर BS4 से अगर मैं कंपेयर BS3 को करूँ, थोड़ी सी लैग है, बट मेरे लिए सफिशिएंट है BS4, क्योंकि है BS6 से तो काफ़ी ज़्यादा पावर है, तो BS4 सफिशिएंट पावर प्रोवाइड करता है। हाँ, उतना 390 इतना पंच नहीं है, बट इनिशियल ठीक ठाक है और मेरे को मतलब फन आ जाता है इसको चलाने में। तो पिकअप की बात करें तो काफ़ी अच्छा लगता है। अगर कंपेयर करें इसको किसी 200cc बाइक से, जैसे पल्सर NS 200 आती है, RS 200 आती है, तो उसके कंपैरिजन में इसका परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा? सर जो KTM, वैसे मैं एक बात बताऊं, मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रहा हूं, KTM अब जानी जाती है वो इनिशियल पंच के लिए जानी जाती है, राइट? तो इसका इनिशियल पंच सब किसी भी कैटेगरी से आप कंपेयर करोगे तो सबसे ज़्यादा ही है और सबसे पहले यही निकलेगी। बात की बात अलग है, टॉप एंड बात की बात है, बट सबसे पहले 0 to 60 यही आगे निकलती है। बात कर लेते हैं राहुल भाई इसके ब्रेकिंग की, क्योंकि जितना अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए उतना अच्छा ब्रेकिंग भी होना चाहिए। और मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि आपने डुअल डिस्क ब्रेक लगाए हैं यहाँ पे KTM RC 200 में अपने, तो ये पहले बात तो मतलब इसकी ब्रेकिंग के बारे में बताओ कि पहले ब्रेकिंग कैसी थी और ये डुअल डिस्क की आपको जरूरत क्यों महसूस हुई? सर ब्रेकिंग तो इसकी बढ़िया है, क्योंकि KTM जो अपनी बाइक्स में प्रोवाइड करता है वो, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये स्टील ब्रेडेड लाइन प्रोवाइड करता है, right? तो मेनली ये पल्सर की अगर मैं सीरीज की बात करूँ तो ये एक RS में आती है और एक 220 में आती है, तो इससे क्या होता है कि जो ये पावर है सफिशिएंटली जो है आपके कैलिपर तक पहुँचती है, रबर में थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाता है वो, इससे थोड़ा पावर जो है लॉस हो जाता है वो ब्रेकिंग। तो इसकी ब्रेकिंग अच्छी है, तो जो ये डबल डिस्क आप देख रहे हो ये फिलहाल के लिए अभी वर्किंग नहीं है। अच्छा, तो इसको मैं वर्किंग अभी कर रहा हूँ, इसमें कैलिपर अभी लगेगा और थोड़ा सा एडजस्टमेंट की जरूरत है, उसके बाद ये वर्किंग में आ जाएगा। ओके, तो उसके बाद जो इसकी ब्रेकिंग जो है वो मैक्स आउट हो जाएगी, तो इसे कह सकते हैं एज ए शॉक भी बोल सकते हो या फिर एज ए परफॉर्मेंस मोड भी बोल सकते हो। तो राहुल भाई अभी बात कर लेते हैं इसके माइलेज की, KTM RC 200 BS4 मॉडल का माइलेज कितना आपको सिटी और हाईवे पे मिल रहा है? माइलेज सर वैसे मैं कहूँ तो कंपनी क्लेम करती है अराउंड 35K अराउंड, बट प्रैक्टिकल देखा जाए सिटी वगैरह में तो मेरे को अराउंड 30 या 31 के अप्रॉक्स सिटी में मिल रहा है। ओके, और हाईवे की बात करें तो पे अगर मैं कहूँ तो अराउंड 32 to 33 किलोमीटर मिल रहा है। तो राहुल भाई, जैसे RC सीरीज जो नई आई है उसमें काफी सारे फीचर्स इंक्लूड करें KTM ने, बट अगर कोई BS4 मॉडल लेना चाह रहा है, प्री ओन्ड RC लेना चाह रहा है, तो उसको क्या क्या फीचर्स में देखने के लिए मिल सकते हैं? फीचर्स मैं कहूँगा इतने हैं नहीं इसमें, अगर आप फीचर्स देख रहे हो तो आपके लिए नहीं है ये, बट हाँ ये है कि आपको जो इसको ऑडोमीटर कह रहा हूँ, अगर ये आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखोगे तो इसमें आपको जो है ट्रिप मिल जाएगा, यहाँ पे ट्रिप दे रखा है, ट्रिप मिल जाएगा, एवरेज स्पीड आपकी मिल जाएगी, गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिल जाएगा, इंजन का टेम्परेचर मिल जाएगा, फ्यूल गेज मिल जाएगा, तो ये सब चीजें हैं इसमें जो कि आजकल सब बाइक्स में है ही है, जो आजकल आ रही हैं, तो वो नॉर्मल इसमें। आपने वो करिए कि सब बाइक्स में है, मैं बताना चाहता हूँ जैसे बजाज की बाइक से पल्सर NS 200 RS 200 में देखोगे तो आपको ये सारे फीचर्स भी नहीं मिलेंगे, ये मिस करती है। तो स्टिल इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में काफी सारे फीचर्स देखने के लिए मिल रहे हैं। तो राहुल भाई अभी बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में, क्योंकि फेयर्ड बाइक है और फेयर्ड बाइक में सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो होती है उसकी फेयरिंग में, कि थोड़ा सा आवाज करने लग जाती है, थोड़ी सी भी गिरेगी तो फेयरिंग टूटने का डर रहता है। तो RC 200 की फेयरिंग आपको कैसे लगी, इसकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी कैसी है? इसकी सर बिल्ड क्वालिटी में ऐसा कहूंगा कि ना ज्यादा अप टू द मार्क है और ना ज़्यादा बॉटम लाइन है,
इसकी एवरेज सी जो है बिल्ड क्वालिटी है, क्योंकि मैं R15 यूज करता था और यामा की बिल्ड क्वालिटी तो सबको पता ही है, तो उससे कंपेयर करूँ तो इतनी नहीं है, बट हाँ ठीक है। बट ये है कि इसके वाइजर का जो एरिया है वो काफी जो है नॉइस करता है, तो इसमें थोड़ा अगर कंपनी काम करती है, जैसे ये भी है बहुत जल्दी मतलब ये क्रैक हो जाते हैं, ये पार्ट्स आप देख रहे हो बहुत जल्दी क्रैक हो जाते हैं, हर आरसी का सीन है, कोई भी आप आरसी देखोगे okay. तो इसमें थोड़ा सा इशू है, तो और मेरे को लगता है शायद कंपनी ने इसमें फिक्स भी कर दिया हो BS6 मॉडल में। तो राहुल भाई जैसे बात करें इसकी फेयरिंग की, बिल्ड क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो जैसे गड्ढे वगैरह में जाती है नॉर्मल सिटी में, जैसे नॉर्मल से गड्ढे होते हैं, तो उसमें ऐसा तो नहीं होता कि बाइक आवाज़ कर रही है इसकी फेयरिंग, ऐसा कुछ एज इन अगर थोड़ा बहुत है तब तो नहीं करेगी, बट अगर आप ज़्यादा ही लंबे टाइम तक या ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन तक ले जाते हो सकता है आपकी आने वाले फ्यूचर में ये कर सकती है फेयरिंग। तो राहुल भाई KTM RC सीरीज ऑब्वियसली जानी जाती है अपनी राइड एंड हैंडलिंग के लिए, बहुत कमिटेड इसमें पोजीशन आपको देखने को मिलता है, स्पेशली ये ट्रैक बाइक ही है बिल्कुल, तो सिटी में अगर चलाएं तो इसकी कैसी राइड एंड हैंडलिंग है? सर सिटी में वैसे तो राइडर के ऊपर ही डिपेंड करता है वो कैसे चलाता है, बट ये है कि हैंडलिंग इसकी अच्छी है, कंट्रोल काफ़ी अच्छा रहता है इसमें, और इसका जो स्टांस है वो काफ़ी चिपक के, मैं बोलूँ अगर चिपक के जो है रोड से काफ़ी चलती है ओके। और हैंडलिंग में ऐसा जो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये है कि ट्रैफिक में थोड़ा सा दिक्कत ही मेरे को देती है कभी कभी। ट्रैफिक में क्या दिक्कत देती है? ट्रैफिक में सर ये है कि एक्चुअली एक तो इसका जो पोस्चर है काफ़ी कमिटेड है राइट, इसलिए थोड़ा सा ट्रैफिक में दिक्कत हो जाती है, ट्रैफिक मतलब शोल्डर हाथों में पेन होता है, पेन होना शुरू हो जाता है ओके। तो हम राइडर हैंडलिंग की बात कर रहे हैं राहुल भाई, इसकी सीट क्वालिटी कैसी है? जैसे BS6 में काफ़ी अच्छी उन्होंने जो अभी 2022 मॉडल आया उसमें जो रिव्यूज़ हमने देखे हैं काफ़ी अच्छी सीट क्वालिटी दी है जी। तो BS4 की सीट क्वालिटी कैसी है? BS4 की सर नॉर्मल सी है, ओके टाइप है, ज़्यादा लॉन्ग टूर अगर आप कर रहे हो तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत होने वाली है आपको, तो नॉर्मल सी सीट है, कोई ज़्यादा इतनी कुशनिंग है नहीं इसमें। अगर सिटी में बात करें, अगर नॉर्मली मैं एक या दो घंटे के स्ट्रेच में चला रहा हूँ तो डिस्कम्फर्ट तो नहीं होता है? अगर आप एक घंटे तक राइड करते हो तो इतना डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, हाँ अगर उससे ऊपर 2 आवर्स के लिए आप करते हो तो थोड़ा सा होने लग जाता है इसमें डिस्कम्फर्ट शुरू होने लग जाता है। तो सीट कम्फर्ट की हम बात कर रहे हैं राहुल भाई, बिल्कुल वैसे पूछना तो बनता नहीं है क्योंकि ये सीट आपको देखने के लिए सिर्फ नाम की है, बट पिलियन की सीट कम्फर्ट कैसा है? पिलियन का सर ये मैं वैसे बोलूँ तो ये खाली कॉस्मेटिक पर्पज के लिए है, जहाँ तक मेरे को लगता है कंपनी ने खाली कॉस्मेटिक के लिए बना रखी है, ओवरऑल पूरा गाड़ी का लुक अच्छा करने के लिए बिल्कुल। तो ये इसमें सीट कंफर्ट तो मैं जीरो ही बोलूंगा, पीछे का पिलियन का सीट कंफर्ट जो है वो जीरो है, क्योंकि इसमें कुशनिंग ना के बराबर ही है। देखो मैं प्रेस भी कर रहा हूँ तो इतना हो ही रहा है अंदर को प्रेस, क्योंकि मटेरियल जो काफी हार्ड मटेरियल है, तो पिलियन तो इसमें मुश्किल है, अगर आप कोई भी बैठेगा वो पीछे आपको 4 बातें सुनाएगा बस ओके। तो राहुल भाई ये सब बात होगी इसकी अच्छाइयों के बारे में, मोस्टली देखा जाए तो परफॉर्मेंस वगैरह राइड एंड हैंडलिंग अच्छी मिलती है इसमें, ये बात कर लेते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में, जो एक बंदे को पता होने चाहिए वो एक बार बता दो आप। बिल्कुल सर, पहले तो मैं इसमें ये वाला पॉइंट हाईलाइट करूँगा कि थोड़ा इसका जो सर्विस कॉस्ट है अदर बाइक से मैं कंपेयर करूँ 200 cc उसमें, तो इसकी थोड़ी सी जो हाई चल जाती है मेंटेनेंस, तो अगर मैं फिगर्स में जाऊँ तो अराउंड 2300 के अप्रॉक्स पड़ जाती है इसकी सर्विस, नॉर्मल सर्विस अगर आप एक सर्विस की 2300 के अप्रॉक्स पड़ जाती है, वो भी मतलब ये कॉस्ट है जिसमें आपका कोई पार्ट्स वगैरह चेंज नहीं हो रहा, नॉर्मल सर्विस की बात कर रहे हैं, पीरियोडिक सर्विस जो रहती है हाँ। और जो सिटी अगर में अगर आप चलाओगे तो इसमें अगर पिलियन के साथ हो तो सीधा जो प्रेशर आपके हाथों में आता है, और ट्रैफिक में जो है थोड़ा मनूवर करने में थोड़ा दिक्कत आती है, क्योंकि पिलियन का जो सारा प्रेशर है वो हाथों में चल जाता है राइट, तो और थोड़ा ये ट्रैफिक में जो है वो हीट करना शुरू कर जाती है, तो ट्रैफिक में थोड़ा सा इसमें गाड़ी में दिक्कत है, तो ये दूसरा पॉइंट इसका ये है। तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हीट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि राहुल भाई कि उतरना पड़े आपको, ऐसा तो नहीं होता सर? उतर या गाड़ी बंद हो जाती है ऐसा मैं कह सकता हूँ, मैं उतरना चाहता हूँ बट उतर सकते नहीं है ट्रैफिक में राइट, क्योंकि लेफ्ट राइट आगे पीछे सब जगह से कवर होते हैं, तो ये है कि बस दिक्कत हो जाती है इसमें, और ये है कि हीट अगर आपने शॉर्ट्स पहन रखे तो फिर टांगे तो जल जाएंगे, क्योंकि सीधा इसका जो है ये वेंट्स ना सीधा यहाँ पे टांगे रहती है, सीधा वेंट से ये जो रेडर है सीधा सारी हीट आउट कर देता है, तो ओके। वो प्रॉब्लम हो जाती है फिर ठीक है। और सर इसका एक ग्राउंड क्लियरेंस है, जो ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम है, क्योंकि अब अगर आप पिलियन के साथ राइड करोगे तो इसकी जो बैली है आप देख सकते हो नीचे बैली, वो छोटे छोटे तो नहीं बट अगर नॉर्मल साइज का कोई ब्रेकर है तो उसमें ही टच कर जाती है। अच्छा, पिलियन के साथ अगर बैठे स्क्रेप हो जाती है मतलब, तो इससे एक बात याद आई राहुल भाई मुझे, सस्पेंशन की बात हमने नहीं करी अभी तक, सस्पेंशन क्वालिटी कैसी है इसकी? सस्पेंशन सर इसकी काफ़ी अच्छा सस्पेंशन है, क्योंकि आगे भी USD फोक्स दे रखे हैं और पीछे भी जो है आपको एपेक्स दे रखा है, तो बेस्ट इन क्लास मैं कहूँगा
कि अभी तक का तो नहीं, अभी तो खाली अपग्रेड आ गया, तो उस समय का तो काफ़ी बेटर सस्पेंशन जो कंपनी ने दे रखे थे और थोड़ा सॉफ्टर साइड पे, मतलब ना हार्ड साइड पे नहीं, थोड़ा सॉफ्टर साइड पे। तो ठीक है, और कोई नेगेटिव पॉइंट इसमें आपको लगा? नेगेटिव सर, इसके मैं इंडिकेटर्स हाईलाइट करना चाहूंगा। इंडिकेटर्स काफी टाइम से चल रही है, 2012 से जब से कंपनी आई थी तब से यही इंडिकेटर चल रहे हैं, तो इनमें प्रॉब्लम ये आती है, अभी तो फिलहाल ये नए हैं, बट अगर थोड़ा सा भी इसमें लगेगा और ये आसानी से ब्रेक हो जाते हैं यहाँ से, तो इसमें मेरे ख्याल से कंपनी को थोड़ा इम्प्रूव या फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए ताकि आसानी से टूटे नहीं। लास्ट सर एक पॉइंट है मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, KTM की जो जीन्स में है पहले के मॉडल्स में, तो इसमें वाइब्रेशन जो है काफ़ी ज़्यादा है। ओके, अगर मैं हायर RPM पे जाऊँगा तो इसके वाइब्रेशन जो है हैंडल बार से शुरू हो जाते हैं, पूरे आगे वाइजर तक जाते हैं। ओके, तो थोड़ा बहुत अगर मैं मिरर्स नहीं लगा रखे मैंने इसमें, थोड़ा ऐसी कॉस्मेटिक पर्पज़ के लिए, तो इसका वाइजर भी है जो काफ़ी आवाज़ करने लग जाता है, मतलब अगर आप थोड़ा इसको रेव करोगे तो आवाज़ करने लग जाता है, वाइब्रेशन थोड़े बहुत मेरे को मिसेज होते हैं इसमें। तो राहुल भाई, सेकंड लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, जब आप RC 200 ले रहे थे प्री ओन्ड, तो कौन कौन सी बाइक्स आपने देखी थी और कौन कौन सी बाइक कंसिडर करी थी और RC 200 को ही क्यों चूज़ करा? सर एक्चुअली मैं पहले अगर बोलूँगा तो 390 मैं प्रेफर कर रहा था इससे पहले, बट 390 में क्या है कि उसमें इंजन में काफ़ी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही थी और उसमें मतलब सर्विस वगैरह काफ़ी जो है हाई जा रहा था मेरे लिए, तो पॉकेट फ्रेंडली इतनी थी नहीं क्योंकि मेरे को थोड़ा डे टू डे में भी यूज़ बाइक करनी थी, तो 390 में देख रहा था। ड्यूक भी मैं देखी मैंने, बट ड्यूक का मेरे को थोड़ा राइडिंग पोस्चर थोड़ा कमिटेड वाला ही चाहिए था, तो उसके एट द एंड मेरे को यही पसंद आई, तो फिर मैंने यही ऑप्ट कर ली क्योंकि मेरे को थोड़ा यूजबिलिटी चाहिए थी गाड़ी में और थोड़ा पॉकेट फ्रेंडली चाहिए। ओके, तो मतलब आपको सिटी राइड के लिए बेसिकली बाइक। ओके, तो राहुल भाई लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा कि क्या आप किसी और को KTM RC 200 प्री ओन्ड लेनी चाहिए? प्री ओन्ड आप ले सकते हो अगर आपको अच्छी कंडीशन मिलती है तो, क्योंकि जैसे कि प्री ओन्ड बाइक है, प्री ओन्ड बाइक का कोई ऐसे एकदम गारंटी तो रहती नहीं कि इंजन आपको सील पैक मिलेगा या जो भी है, तो अगर आपको नॉलेज है या फिर आपका कोई ट्रस्टेड डीलर है तो आप ले सकते हो, वरना तो मैं कहूँगा कि अगर आपको कोई 50-50 चांस लग रहा है तो उससे पीछे हट जाओ, तो अगर आपको लेनी है तो अच्छी कंडीशन की लेना वरना मत लेना। एक्चुअली हमने एक वीडियो राहुल भाई का और बना रखा है कि KTM RC अगर आप ले रहे हो तो कौन कौन से पॉइंट्स आपको देखने चाहिए, उसका लिंक ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन ऐसे मैंने पूछ लिया राहुल भाई आपसे, लेकिन एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, जो मतलब आपको KTM RC जो नई वाली सीरीज है उसका लुक कैसा लगा, और अगर आज ऑप्शन दिए जाए सेम रेट है सपोज दोनों का, इसका भी सेम रेट उसका भी सेम रेट, तो आप कौन से बाइक चूज करोगे? मैं एनी डे यही वाला पर्टिकुलर मॉडल चूज करूंगा क्योंकि जो उसकी जो लुक्स है वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे वो फ्रंट से ले लो चाहे वो साइड से ले लो, तो मैं यही वाला मॉडल पसंद करूंगा, भले ही अभी ये पुराना हो चुका है बट मेरे को ये मॉडल पसंद है अभी। ओके, तो मतलब उसके आपको भी उसके लुक्स इतने नहीं, पसंद नहीं है। तो इतना ही था आज की वीडियो में। राहुल भाई का अपना एक अलग से चैनल है जिसका नाम आप यहाँ पे देख सकते हो, दी RC राइडर, यहाँ पे जाइए, काफी सारे अच्छे व्लॉग्स और RC 200 से अच्छी अच्छी वीडियोस आपको देखने के लिए मिलेगी। सब्सक्राइब करना मत भूलना उस चैनल को भी एंड इस चैनल को भी। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।